नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। बहुत दिनों से हमारे कई दर्शकों का ये रिक्वेस्ट मिल रहा था कि मोहम्मद अजीज साहब के लाइफ पर एक वीडियो बनाई जाए, तो इस वीडियो के माध्यम से हम अपने उन्हीं दर्शकों की फरमाइश पूरी करेंगे। दोस्तों, एक बात मैं अपने कई वीडियोस में बोल चुका हूँ कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई पूछता तक नहीं। मोहम्मद अजीज भारतीय संगीत जगत के एक ऐसे ही सूरज थे जिनका उदय जब 80 के दशक में हुआ तो लोग इन्हें मोहम्मद रफी का वारिस कहने लगे थे। मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। लेकिन बाद में उन्हें इस कदर भुला दिया गया कि इनके मरने के बाद वो लोग इनके अंतिम दर्शन तक नहीं करने गए जिनके करियर में मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी गायकी के माध्यम से चार चांद लगाया था। मोहम्मद अजीज साहब अपने जीवन के अंतिम दिनों में हाई डायबिटीज की समस्या से ग्रसित थे, लेकिन अपने उस नाजुक दौर में भी इन्होंने लोगों को अपनी गायकी के माध्यम से मनोरंजित किया। फिल्मों में काम मिलना तो बहुत पहले ही बंद हो गया था, लेकिन स्टेज पर ये उसी जिंदादिली से गाते रहे। तो आइए थोड़ा नजर डालते हैं मोहम्मद अजीज साहब के जीवन के कुछ प्रमुख पहलुओं पर। उससे पहले एक निवेदन है कि नारा टीवी के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें ताकि वहां से भी आपको नारा टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहें। आते, 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 तेरी याद आ गई, जाते, 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 मुझे दूर ला गई। इन आँखों को आशिक शराब कहे तो, इन आँखों को आशिक शराब कहे तो, तेरे गालों को खिलता गुलाब कहे तो। तुझे रब ने बनाया किस लिए, किस लिए? अपने शुरुआती दौर में मुन्ना अजीज के नाम से जाने जाने वाले मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1954 को कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही इन्हें गाने का शौक रहा। रफी साहब की आवाज से ये काफी प्रभावित थे और उन्हीं के गाने सुनकर इन्होंने अपनी आवाज को निखारना शुरू किया। मोहम्मद रफी साहब की आवाज का इनकी गायकी पर काफी असर हुआ। लोग तो इनकी तुलना मोहम्मद रफी से करने लगे, लेकिन मोहम्मद अजीज ये खुद कहते कि मैं रफी साहब के 5% के बराबर भी नहीं हूँ। रफी साहब उनकी कितनी बड़ी प्रेरणा थे, इसे लेकर मोहम्मद अजीज ने कहा था, उन्होंने मुझे इस हद तक प्रेरित किया था कि मैं अपनी पूरी आत्मा लगाकर उन्हें आत्मसात कर सकता हूँ। हालांकि मैंने अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग एक टीचर से ली है, लेकिन मैं रफी साहब को अपना गुरु मानता हूँ। मैंने आज कई भाषाओं में और दुनिया भर में परफॉर्म किया है और मैं अपनी सक्सेस का श्रेय मोहम्मद रफी साहब को देता हूँ। मोहम्मद अजीज ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में ये अफवाह हुआ करती थी कि मैं रफी साहब का शिष्य था और उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ। द्रवित हो बन बन भट के बन बन भटके रा, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरे मोहब्बत की तौहीन होगी। जब तक रहेगी अंबर जब तक रहेगा तुझसे प्यार करूंगा। दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है। रब को याद करूं एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा। नहीं है बात ये बात है बिल्कुल खरी, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। आई लौटते हैं इनकी मुख्य कहानी पर। स्टेज पर ये बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट
काम कर रहे थे और उधर मुफलिसी की जंजीर कसती चली जा रही थी। मजबूरन इन्होंने बियर बार और रेस्टोरेंट में गाना शुरू कर दिया। वहीं से इनको स्टेज शो भी मिलने लगे। इसी बीच इनके शुभचिंतकों ने इन्हें मुंबई जाने की सलाह दी। उस समय इनका परिवार मुफलिसी के दौर से गुजर रहा था। मोहम्मद अजीज स्टेज शो करके परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। आखिर एक दिन उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे 2 साल का समय दें, मैं मुंबई जाकर संघर्ष करना चाहता हूँ। 2 साल में सफल नहीं हुआ तो लौट आऊंगा। पिताजी मान गए और मोहम्मद अजीज साहब मुंबई चले आए। मुंबई पहुंचने के बाद इन्हें मालूम हुआ कि माया नगरी में पांव जमाना इतना आसान नहीं था और मोहम्मद अजीज जैसे सीधे साधे लोगों के लिए तो मुंबई और दुष्कर थी। होते करते इन्हें साथ मिला डायरेक्टर सलीम का। सलीम अख्तर ने इन्हें अपनी फिल्मों में ब्रेक दिया और इस तरह मोहम्मद अजीज साहब की गाड़ी बॉलीवुड में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हालांकि फिल्में छोटी बजट की थीं, फिर भी मोहम्मद अजीज को संघर्ष के उस काले अंधेरे में सफलता की एक छोटी सी किरण मिल चुकी थी। इस बीच इनकी मुलाकात हुई संगीतकार सपन जगमोहन से। उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म ज्योति के लिए मोहम्मद अजीज की आवाज को चुना। इसके बाद इनके जीवन में वो मोड़ आया जिसके बाद इनका करियर पूरी तरह से बदल गया। जी हाँ, 1985 की मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द के इस गाने ने मोहम्मद अजीज की तकदीर बदल दी। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, ए मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। साथ ही साथ हम एक दिलचस्प बात इस गाने से जुड़ी आप सबको बताना चाहेंगे। ये सबको पता है कि एक जमाने में किशोर कुमार की आवाज को अमिताभ बच्चन की आवाज माना जाता था, तो मनमोहन देसाई ने मर्द के इस टाइटल सॉन्ग को भी किशोर कुमार से ही गवाने का फैसला किया। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मनमोहन देसाई किशोर कुमार को मना नहीं पाए। ऐसा क्यों हुआ था, थोड़ा इसके पीछे का भी किस्सा जान लेते हैं। ये किस्सा नारद टीवी से साझा किया था समीर मेमन साहब ने और इस किस्से को यहाँ पर इंक्लूड करना बहुत जरूरी हो गया है। 1984 में अमिताभ बच्चन की शराबी रिलीज हुई थी। फिल्म के एक गाने जहाँ चार यार को किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन ने मिलकर गाया था। जब इस गाने का रिकॉर्ड जारी हुआ तो अमिताभ बच्चन का नाम बड़े बड़े अक्षरों में पहले छपा, उसके नीचे किशोर कुमार का नाम छापा गया। इस बात से किशोर कुमार बहुत नाराज हुए। उन्होंने फैसला किया कि आगे कभी भी अमिताभ बच्चन के लिए गाना नहीं गाएंगे। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि 1984 और 85 के बाद ऐसे बहुत से कम गाने हैं जिसमें किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए अपनी आवाज दी है। जो इक्का दुक्का गाने आए भी उनका कॉन्ट्रैक्ट पहले से साइन हो चुका था। खैर, फिल्म मर्द के डायरेक्टर अनु मलिक ने नई आवाज मोहम्मद अजीज को मर्द टांगे वाला गाने के लिए चुना। इसके बाद तो मोहम्मद अजीज साहब की किस्मत रातों रात पलट गई। इन्हें इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज संगीतकारों का साथ मिला। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, नौशाद, ओपी नैयर, रविंद्र जैन, बप्पी लहरी आदि दिग्गज संगीतकारों के सुर पर इन्होंने अपना स्वर साधा। दिलीप कुमार से लेकर सलमान खान तक के दौर के अभिनेताओं पर इनकी आवाज फिट बैठी। गोविंदा ने तो मोहम्मद अजीज की आवाज से ही अपने करियर की शुरुआत की, तो वहीं अनिल कपूर के लिए गाया इनका गाना ए जी ओ जी अनिल कपूर के करियर का बड़ा हिट साबित हुआ। हर करम अपना करेंगे ऐ सनम, तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ऐ सनम, तेरे लिए मैं से मिना से न साथे से न पैमाने से दिल बहल लक्ष्मीकांत जी के मरने के बाद इनके करियर पर भी काफी असर हुआ। उधर उदित नारायण, सोनू निगम और कुमार शानू जैसे दिग्गजों का भी पदार्पण हो चुका था। इन सब के बीच 80 के दशक की वो बुलंद आवाज भी धीरे धीरे बॉलीवुड से गायब होने लगी। फिल्मों में मौके तो कम हो गए थे लेकिन स्टेज पर इनकी आवाज उसी बुलंदी के साथ गूंजती रही। बॉलीवुड में काम मिलना लगभग बंद हो चुका था लेकिन रीजनल फिल्मों के प्रोड्यूसरों ने इनको सर आंखों पर बिठाया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में मोहम्मद अजीज साहब हाई डायबिटीज की समस्या से ग्रसित थे। मौत के करीब
दो महीने पहले ये समीर मेमन साहब से डायबिटीज का इलाज करवाने के लिए आए थे। हम आपको बता दें कि समीर सर जाने माने नाभि चिकित्सक भी हैं। समीर मेमन साहब ने इन्हें स्टेज शो से छुट्टी लेकर आराम करने की सलाह दी। इस पर मोहम्मद अजीज ने जवाब दिया, समीर भाई मैं घर बैठ जाऊंगा तो काम कैसे चलेगा। आखिरकार 27 नवंबर 2018 को इस महान गायक ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उससे भी दुख की बात यह है, इनकी मैयत पर वो नामचीन हस्तियां नदारद रहीं, जिनको मोहम्मद अजीज साहब की गायकी से एक बड़ा ब्रेक मिला था। नारद टीवी की तरफ से एक छोटी सी कोशिश मोहम्मद अजीज साहब के जीवन को आप लोगों से रूबरू कराने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नारद टीवी के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।